दो तीन इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए, जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा, सही बात है ना। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक छीना, तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की, फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए, दो तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं,